नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की हिंदी, और आज हम अपना काव्य खंड स्टार्ट करेंगे। और हमारी जो बुक है वो है अंतरा भाग दो, और इसमें सभी जितनी भी कविताएं हैं आपको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझाई जाएंगी, बिल्कुल जिससे आपको व्याख्या करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। और जो हमारा पहला चैप्टर है जो कविताओं का, वो है देवसेना का गीत। और इस पहले चैप्टर के अंदर हमारी दो कविताएं आएंगी, एक तो है देवसेना का गीत और दूसरा है कॉर्नेलिया का गीत। तो इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद, और आज जो हम पढ़ेंगे वो है देवसेना का गीत। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे पहले आपको कविता स्टार्ट करने से पहले कविता की समरी के बारे में पता होना चाहिए कि ये कविता किस बारे में है, या इसकी बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए कविता की, ताकि हमें व्याख्या लिखने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए और एकदम फ्लुएंटली हम उसको लिख सकें। तो पहला पॉइंट है कि यह गीत, कौन सा गीत, देवसेना का गीत। यह गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। तो ये जो हमारा गीत है देवसेना का गीत, या ये जो हमारी कविता है, ये ली गई है स्कंदगुप्त नाम के एक नाटक से, ठीक है। और इसे किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने। और जो दूसरा पॉइंट है वो है देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। आपको यहां से पता होना चाहिए कि देवसेना कौन थी, तो वो मालवा नाम की एक जगह है, मालवा के राजा बंधु वर्मा की एक बहन थी, ठीक है, देवसेना। और हूणों के आक्रमण से उसका सारा परिवार मारा गया था और सिर्फ देवसेना बच गई थी। तो हूणों ने आक्रमण किया था मालवा पे, और उसके बाद क्या हुआ कि उसका भाई जो था और वो जितने भी लोग थे सब मारे गए और सिर्फ देवसेना बच गई। और जो देवसेना थी भाई, वो किससे प्यार करती थी, लव करती थी, किससे, स्कंदगुप्त से। लेकिन स्कंदगुप्त किसी और को प्रेम करता था और वो किसी और को चाहता था, ठीक है। और देवसेना का ये समझ लो वन साइडेड लव, ठीक है, एक तरफा प्यार था, और वो मतलब बहुत ज़्यादा प्यार में पागल थी इसके। लेकिन जो स्कंदगुप्त था वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, और वो धन कुबेर की जो पुत्री थी उससे प्यार करता था, ठीक है, और उससे शादी करना चाहता था। तो देवसेना का जीवन बहुत दुखों में भी था। आप जानते हैं, अगर कोई वन साइडेड लवर हो और अगर दूसरी साइड से कोई उसे प्यार ही ना करता हो, तो उसका जीवन भाई दुख में ही बीतेगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि जीवन के अंतिम दिनों में जब देवसेना बूढ़ी हो गई थी, उसके लास्ट दिन थे, तब क्या हुआ भाई, स्कंदगुप्त ने उसे कहा कि हाँ भाई, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं भी तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो भाई फिर तो मूड खराब होएगा ही, कि जब स्टार्टिंग में जब जरूरत थी उसको उसकी, तब तो वो उसने बिल्कुल मना कर दिया, इनकार कर दिया, और अब जब उसके जीवन का लास्ट समय है बिल्कुल, तब वो कह रहा है कि हाँ भाई, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो फिर उसने उसके जो वो प्रपोजल था, ठीक है, जो उसने लास्ट में प्रपोज किया स्कंदगुप्त ने, तो उसने देवसेना ने मना कर दिया, ठीक है, इनकार बिल्कुल। और उसने क्या कहा कि अपनी भावनाओं को दबाकर वो रोने लग गई कि भाई, पूरी जिंदगी तो मैंने दुखों में काट दी, तपस्या में काट दी, और अब जब मैं मरने वाली हूँ तब ये कह रहा है कि मैं प्यार करता हूँ, ये तो मतलब वो उस पे घाव पे नमक छिड़क रहा है, ये तो है ना। तो ये वही बात हो गई। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि ये देवसेना का जो गीत है, ये उसने बिल्कुल रोते हुए गाया है, बिल्कुल पीड़ा में, वेदना में, ठीक है, दर्द में, ठीक है। तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि देवसेना कौन थी और उसके दुख का क्या कारण है, कि भाई उसने जब खुद प्रपोज किया था जब वो जवान थी, तब तो उसने मना कर दिया, लेकिन जब वो अपने आखिरी दिनों में लाइफ के, तब वो आके जो स्कंदगुप्त है उसे प्रपोज कर रहा है, तो जब वो उसको मना कर देती है, उसके लिए मना करना बहुत ज़्यादा दुखदायक था, कि जिससे वो प्यार करती थी और जब लास्ट में अब वो उसको मना कर रही है, तो बहुत ज़्यादा दुखदायक था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कविता को। तो मैं आपके सामने जो ये पद है इसको पहले रीड करके आपको बताऊंगा, और जो मेन मेन इसके शब्दार्थ हैं वो आपको समझाऊंगा, उसके बाद जो इसकी व्याख्या होगी वो मैंने आपके लिए लिखी है बिल्कुल आसान शब्दों में, ताकि आपको अगर एग्जाम में लिखना है, आपको ये नहीं लिखना है, एग्जाम में आपको पता होना चाहिए इनका मतलब, ठीक है, लाइनों का। तो यहाँ हम सिर्फ रीडिंग करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इन सब लाइनों का मतलब आसान तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। आ वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। तो इसमें एक तो हमारा वर्ड है विदाई, विदाई वर्ड का मतलब होता है बिछड़ना, वेदना का मतलब होता है दुख या पीड़ा, ठीक है। तो अगला जो हमारा लाइन है उसका है कि छल छलते संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। तो श्रमकण का मतलब होता है आंसू या मेहनत के आंसू, और नीरवता का मतलब होता है खामोशी।
तो यहां से आपको क्या होगा, मैंने जो रीड किया है आपको ये लाइनें याद होनी चाहिए, इसी से फिर आप जो उसकी व्याख्या लिखेंगे। अब मैं आपको सीधे व्याख्या बताऊंगा, वरना ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा अगर सीधे आप रीड करते हैं तो इसकी व्याख्या क्या है, अब मैं आपको समझाता हूं। तो हमारा पहला पद था, तो इसमें वो क्या बताती है कि आज जीवन के इस अंतिम समय में, ठीक है, जब बिल्कुल बुढ़ापे की बात हो रही है देवसेना के, बिल्कुल लास्ट समय में जो प्रेम निवेदन था, प्रपोजल किसका, स्कंद गुप्त का, उसको ठुकराना बहुत ही कष्ट देने वाला था, ठीक है, वेदना वाला था, बिल्कुल दुखदायक था। और लास्ट समय में जब उसको मना करती है तो बहुत ज्यादा उसे दुख होता है। और फिर वो कहती है कि मैंने तो प्रेम के भ्रम में अपने जीवन भर की अभिलाषाओं को लुटा दिया। वो तो इस भ्रम में थी कि मैं उससे प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे प्यार करता होगा, लेकिन उसने नहीं किया ऐसा। और वो उसने जीवन भर की जो उसकी अभिलाषाएं थी, इच्छाएं थी, वो इकट्ठा करके रखती है जीवन के अंतिम समय तक, लेकिन जब उसकी जरूरत थी तब तो उसने प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट किया था उसका, लेकिन जब वो अब लास्ट समय पे है तब स्कंदगुप्त को मना करके वो कहती है कि मेरी जितनी भी इच्छाएं थी, उसकी इच्छा क्या थी, उससे प्यार करना और उससे शादी करना, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और वो जीवन के अपने आखिरी समय पे अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को लुटा देती है, ठीक है, भीख के रूप में स्कंदगुप्त को मना करके। तो यहां से आपको कुछ समझ में आया होगा कि ये क्या, ये हमारी कविता कहाँ पे चल रही है। फिर वो कहती है कि उसके दुख से दुखी होकर, कि वो इतनी ज्यादा दुखी है कि उसके दुख से दुखी होकर यह शाम भी आंसू बहा रही है। तो यहाँ शाम का मानवीकरण किया गया है, क्योंकि शाम कभी आंसू बहाती नहीं है। तो ये हमारी छायावादी कविता है, ठीक है। तो इसमें ये बताती है कि उसका दुख इतना गहरा है कि उसके दुख से दुखी होकर यह शाम भी आंसू बहा रही है। अर्थात जो देवसेना है वह जीवन के दुखों से लड़ते लड़ते थक गई है, ठीक है। जो हमारा जीवन होता है वो जीवन रूपी सुबह होती है, लेकिन जो हमारा बुढ़ापा होता है वो एक शाम होता है, ठीक है। शाम तक आते आते या बुढ़ापे तक आते आते वो इतना दुखी हो चुकी है और लड़ते लड़ते थक चुकी है। इतने ज्यादा दुख हैं उसके जीवन में, एक तो स्कंदगुप्त ने ठुकरा दिया उसे और दूसरा उसका परिवार भी मर चुका है। फिर वो कहती है कि उसकी जो पूरी जितनी भी जीवन यात्रा है, ठीक है, जितना उसने अभी तक अपना जीवन जिया है, सिर्फ उसका अकेलापन एकमात्र उसका साथी था। ना तो उसके परिवार वाले उसके साथ थे और ना ही स्कंद गुप्त ने उसका साथ दिया। तो उसकी पूरी जीवन यात्रा में सिर्फ अकेलापन ही उसका साथी था एकमात्र। तो यहां से आपको पहला पद समझ में आ गया होगा। अब आपका दूसरा पद है, मैं आपको रीड करूंगा आपके सामने और वही शब्दार्थ आपको समझने हैं कि श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनीदि श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। तो श्रमित का मतलब होता है थका हुआ, गहन का मतलब होता है गहरे, विपिन का मतलब होता है जंगल और पथिक का मतलब होता है यात्री। अब आगे मैं पढ़ता हूं, लगी सह तृष्ण दीट थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली तूने खो दी सकल कमाई। तो सह तृष्ण का मतलब होता है प्यासी और दीट का मतलब होता है निगाह। तो यहां मैंने रीड किया, अब मैं आपको इसको बिल्कुल आसान शब्दों में समझाता हूं। तो हमारा दूसरा पद जो है, इसका मतलब है कि देवसेना बैठे बैठे अपने बीते पलों को याद करती है, ठीक है, फ्लैशबैक में जाती है और बीते पलों को याद करती है और सोचती है कि जब उसने अपने प्रेम को पाने के लिए इतने प्रयत्न किए थे, ठीक है, स्कंदगुप्त से बहुत ज्यादा लव करती थी और उसको मतलब पाने के लिए उसने इतना संघर्ष किया, हर हर संभव प्रयास किया उसने, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। और आज वही प्रेमी, वही उसका लवर आज आके उसको प्रेम निवेदन कर रहा है, मतलब उसको प्रपोज कर रहा है। तो ये तो भाई बहुत ज्यादा दुखदायक है कि जब उसको जरूरत थी तब तो उसने मना कर दिया। तो ये पूरी कहानी यही घूमेगी कि जब उसे जरूरत थी तब उसने मना कर दिया और लास्ट में अब वो आके प्रपोज कर रहा है। तो जीवन के दुखी, जो इतने सारे दुख हैं जीवन में, वो देवसेना को जो है मतलब बिल्कुल इतने ज्यादा थका चुके हैं, देवसेना इतनी कमजोर हो चुकी है, ठीक है, दुखों से, कि जो ये प्रपोजल है स्कंद गुप्त का तो वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ठीक है, क्योंकि जब उसे जरूरत थी तब तो उसको मिला नहीं और अब लास्ट टाइम में आके उसको प्रपोज कर रहा है। तो देवसेना को ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी ये बात और वो और ज्यादा दुखी हो जाती है इससे। फिर वो बताती है कि वह खुद को दूसरों की नजरों से बचाए रखती थी। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि स्कंद गुप्त उसे नहीं मिला तो उसने किसी और से शादी कर ली हो या किसी और से प्यार कर लिया हो, ठीक है, ऐसा नहीं था। वो वन साइडेड लवर थी और बिल्कुल उसने जीवन भर अगर उसको स्कंद गुप्त नहीं मिला तो उसे कोई नहीं मिला, ठीक है, उसने सबको, जितनी सबकी नजरें थी सबको छुपा के रखा और मतलब किसी से भी उसने शादी या प्रेम नहीं किया और दुनिया की नजरों से खुद को बचा के रखा और पूरी जिंदगी उसने अकेलेपन में गुजारी।
फिर वो क्या कहती है, अपनी आशाओं से, अपनी इच्छाओं से। उसकी इच्छाएं क्या थी कि स्कंदगुप्त से प्यार करे और स्कंदगुप्त के साथ रहे। लेकिन जब लास्ट का समय चल रहा होता है तो वो अपनी आशाओं से कहती है, मन ही मन बात करती है कि जो अपनी मन की इच्छाओं को कहती है कि बावली हो तुम, ठीक है, अपनी इच्छाओं को बावली कहती है और कहती है कि जब मुझे स्कंदगुप्त की जरूरत थी तब तो उसने इनकार कर दिया, अगर अब मैंने उसके प्रेम निवेदन को मान लिया तो मैं अपने जीवन की तपस्या रूपी कमाई को खो दूंगी। क्यों? क्योंकि जब उसको मना कर दिया था उसके बाद वो जीवन भर अकेली रही और तपस्या की, पूरी जीवन भर की उसकी अकेलेपन की तपस्या। अगर वो लास्ट समय में आके अब उसको मान लेगी उसका प्रपोजल, तो वो तो सारी तपस्या भंग हो जाएगी उसकी, ठीक है। और जितनी उसने कमाई की थी अपनी तपस्या के रूप में जीवन की, अगर उससे वो नहीं मिला तो उसने किसी और से शादी नहीं की, और बिल्कुल मरने के समय में लास्ट में अगर वो उसको हाँ कह देगी तब तो ये सारी तपस्या की कमाई खो देगी। तो यही बताया गया था हमारे दूसरे पद में। अब जो हमारा तीसरा पद है और लास्ट पद है वो है, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पद पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई, लौटा लो यह अपनी थाती मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व ना संभलेगी यह मुझसे इससे मन की लाज गवाई। तो मैंने आपके सामने ये तीसरा पद रीड किया और इसके शब्दार्थ देख लेते हैं कि प्रलय का मतलब होता है विनाश, ठीक है, और दुर्बल का मतलब होता है कमजोर, और थाती का मतलब होता है अमानत। तो यहां से आपको ये जो मैंने शब्दार्थ बताए हैं आपको ये याद रखने हैं। और अब मैं आपको बताता हूं इसकी व्याख्या बिल्कुल आसान शब्दों में। ये हमारा तीसरा पद है और पहला पॉइंट है कि देवसेना का जीवन दुखों में डूबा हुआ है। ये सब हम जानते हैं, हमने शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं कि देवसेना का जीवन कितने दुखों में है। ना तो उसे स्कंदगुप्त मिला और उसका परिवार मारा गया हूणों के आक्रमण में, ठीक है, और वह जानती है कि वह कमजोर हो चुकी है, ठीक है। वो जीवन से लड़ लड़ के इतना ज्यादा संघर्ष, इतना ज्यादा स्ट्रगल, और बिल्कुल कमजोर हो चुकी है। ना तो उसे उसका लव मिला और ना उसका परिवार उसके साथ था, लेकिन उसने क्या भाई हार नहीं मानी, ठीक है, और संघर्ष वो अभी भी कर रही है अपने जीवन के लास्ट समय में भी। तो हार उसने मानी नहीं और संघर्ष उसका अभी भी जारी है। और उसके बाद वो कहती है कि अंत में संसार को संबोधित करते हुए, या हम कहें कि स्कंदगुप्त को संबोधित करते हुए, स्कंदगुप्त को बताते हुए कहती है कि हे संसार, हे दुनिया, दुनिया वालों, इस प्रेम को वापस ले लो। मतलब ये जो प्रपोजल जो वो प्रपोज कर रहा है हमारा स्कंदगुप्त, उसको कहती है इसको वापस ले लो, इसे मैं नहीं संभाल सकती और मैं मन ही मन लज्जित हूँ। लज्जित तो होगी भाई, जब वो गई थी उसको प्रपोज करने तब उसने मना कर दिया और मतलब बेइज्जती टाइप में उसकी हुई होगी। अब लास्ट के समय में बिल्कुल एंड का जो समय है, अब वो आके उसे कहता है कि मुझसे तुम शादी करो या मुझसे तुम प्रेम करो। तो क्या है, ये सब तो लज्जा की बात है, ठीक है, शर्म की बात है। तो वो कहती है दुनिया वालों, अपने इस प्रेम को वापिस ले लो, मैं इसे नहीं संभाल सकती, अपनी अमानत जो प्रेम की वापिस लो। स्कंदगुप्त को कहती है मैं इसे नहीं संभाल पाती और मैं विदा लेती हूँ, और मेरा जीवन दुखों में बीता था और दुखों में ही बीतेगा, और तुम जाओ और अपनी अमानत रखो अपने पास। मैंने बताया था आपको एक वर्ड थाती, थाती का मतलब होता है अमानत, ठीक है, तो अमानत रखो अपने पास और मैं अब तुमसे विदा लेती हूँ। तो ये हमारे तीनों पद कवर हो गए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो हमारा व्याख्या का फॉर्मेट होता है उसके अंदर हमें विशेष भी लिखना होता है, ठीक है, तो हर पद का अलग अलग विशेष बनता है वैसे, लेकिन ज्यादातर लाइनें इसमें सेम होती हैं, तो विशेष लिखना बहुत जरूरी है। कम से कम आपको 4 से 5 पॉइंट उसमें डालने होते हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट है कि इसमें विशेष में आपको बताना है कि इसमें देवसेना की वेदना का मार्मिक वर्णन किया गया। ये जो कविता है इसमें आपको क्या विशेषता दिखी कि देवसेना के दुखों का वर्णन किया गया, और मार्मिक का मतलब होता है दिल को छू जाने वाला। तो जैसा कि आपने देखा कितना ज्यादा वो हर्ट हुई है और कितना ज्यादा वो परेशान है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है यह छंद मुक्त कविता है। जो हमारी आधुनिक जितनी भी कविताएं हैं सारी छंद मुक्त हैं, और जो हमारी प्राचीन कविताएं होती हैं वो ज्यादातर छंद वाली होती हैं, लेकिन जो ये हैं वो छंद मुक्त हैं। और ये खड़ी बोली है, ठीक है, खड़ी बोली में लिखी गई है, और अनुप्रास एवं मानवीकरण अलंकारों का इसमें सुंदर प्रयोग किया गया है। मानवीकरण में मैंने आपको बताया था कि जो शाम है, संध्या है, वहां पर बताया गया था कि शाम भी आंसू बह रही है, तो वहां पर उसके अंदर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया था। और ये छायावादी कविता है जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसमें लैंग्वेज तो बिल्कुल आसान होती है जब हम पढ़ते हैं, लेकिन इसकी व्याख्या कुछ अलग ही बनती है।
एक आपने देखी होगी जो ब्रजभाषा वगैरह में कविता लिखी जाती है, तो वो तो प्राचीन में आ जाती है, लेकिन जो हमारी आधुनिक कविता होती है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखी जाती है, इन्हें हम कहते हैं छायावादी कविताएं है, ठीक है, जिसमें लैंग्वेज तो सिंपल होती है लेकिन इनका जो मतलब होता है, जो मीनिंग होता है, वो बहुत ज्यादा डीप होता है। और इस कविता में संगीतात्मकता है कि भाई अगर कोई गाना चाहे तो इस गीत को गा भी सकता है लय में, तो ये कुछ विशेष के बिंदु हैं। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें विशेष में कैसे लिखना है। अब आपके सामने एक फॉर्मेट है कि जब हमें कविताओं की व्याख्या करनी है तो उसको हम कैसे करेंगे, क्या फॉर्मेट होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन रहती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हमें संकेत लिखना होता है। संकेत में हमें क्या लिखना होता है, जो कविता की हमारे पहले दो वर्ड होते हैं वो लिख के और ऐसे लाइन सी दे के, और उसके बाद जो कविता का आखिरी वर्ड होता है वो लिखना होता है। जो भी पद हमारा पूछा गया एग्जाम में हमें ऐसे करना है। उसके बाद हमें संदर्भ लिखना होता है, तो संदर्भ के अंदर हमें लिखना होता है कवि का नाम, जिसका नाम है जयशंकर प्रसाद, और कविता का नाम जो कि है देवसेना का गीत। इतना लिखने के बाद आपको प्रसंग लिखना होता है, और प्रसंग के अंदर आपको ये लाइन लिखनी होती है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक, हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि। अब जो भी कविता की हम करेंगे व्याख्या या जो भी उसका कवि होगा तो उसका नाम लिखना है। जैसे देवसेना का गीत का जो कवि है वो है जयशंकर प्रसाद, तो हमें लिखेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंद गुप्त से ली गई है, और इस कविता में जिस बारे में बताया गया है वो हमें लिखना होता है। कि जैसे इस कविता में कवि ने देवसेना की पीड़ा और वेदना का मार्मिक चित्रण किया है, ठीक है। तो प्रसंग में आप समझ गए होंगे कि हमें एक तो ये छोटी सी बस ये लाइन होती है, ये हर कविता में कॉपी पेस्ट हो जाती है। फिर हमें व्याख्या स्टार्ट करनी है, अपनी पैराग्राफ में लिखनी है। मैंने लेकिन आपको पॉइंट में समझाई है ताकि आपको ढंग से क्लियर हो जाए, लेकिन आपको पैराग्राफ में लिखनी है व्याख्या, और जो विशेष के पॉइंट होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो आपका फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा। अब आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर रिपीट हो जाते हैं। तो पहला तो ये है कि देवसेना की हार या देवसेना की निराशा का क्या कारण है, आपको बताना है वो क्यों दुखी थी। तो आप बता सकते हैं कि उसने जब प्रपोज किया था तब उसने मना कर दिया था स्कंदगुप्त ने, लेकिन लास्ट के समय में जब स्कंदगुप्त मना करता है तब देवसेना भी मना कर देती है, तो इसी सब को लेके वो बहुत ज़्यादा निराश थी। दूसरा क्वेश्चन है कि मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, ठीक है, इसका भाव स्पष्ट करना है। मैंने आपको बताया था कि वो जीवन में भ्रम में थी कि वो भी मुझसे प्यार करता होगा, और उसने मतलब जीवन भर अपने कुछ इच्छाएं मतलब संजो के रखी थी, ठीक है, उनको इकट्ठा करके रखा था, लेकिन जब लास्ट में वो आके इसको प्रपोज करता है तो उसने वो सारी इच्छाओं को लुटा दिया भीख के रूप में, तो ये आपको बताना है। और जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है, ठीक है। वो देवसेना कहती है ना एक लाइन में कि मेरी आशा बावली है, अपनी इच्छाओं को बावली कहती है, और कहती है कि तुम बावली हो, अगर तुमने अभी इसका ये प्रपोजल अगर एक्सेप्ट कर लिया तो जो मेरी जीवन भर की कमाई है, जो त्याग है, जो तपस्या है, वो सब वेस्ट हो जाएगा और वो सब खत्म हो जाएगा, तो इसलिए वो अपनी आशाओं को और अपनी इच्छाओं को बावला कहती है। यहाँ पर खत्म होती है हमारी वीडियो। अगर आपको कविता अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट मिलते रहें, और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद आई हो, और जो भी आपके डाउट्स हों वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम आपको वहीं पर उसका रिप्लाई दें, और वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स में। तो यहीं खत्म होता है आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।